नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं विधायक इरफान सोलंकी के। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की तकरीबन 200 करोड़ की जमीन कुर्क होने जा रही है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी कई प्रॉपर्टीज जो है वो सीज कर रही है सरकार। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी जेल में बंद है इस वक्त। क्या है पूरी कहानी इरफान सोलंकी की, आपको बताते हैं। इरफान सोलंकी की 150 करोड़ की संपत्ति आज होगी सीज। कानपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की जाएगी संपत्ति। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की करीब 150 करोड़ की संपत्ति आज पुलिस सीज करेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी और उनके गैंग में शामिल अन्य 4 सदस्यों की करीब 200 करोड़ की संपत्ति सीज करने के लिए चिन्हित की गयी। दो टीमें कानपुर और ग्रेटर नोएडा की संपत्ति करेगी सीज। विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। इसमें विधायक, उनके भाई रिजवान और उनकी पत्नी के नाम पर चकेरी स्वर्ण जयंती विस्तार योजना में 300 वर्ग मीटर में 3 प्लॉट। इसके साथ ही विधायक के नाम पर गाजियाबाद में 300 वर्ग मीटर का प्लॉट है। ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट समेत 25 से 30 करोड़ की संपत्ति पहले चरण में पुलिस जब्त करेगी। पुलिस की दो टीमें एक साथ कानपुर चकेरी और ग्रेटर में कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई के लिए 2 टीमें बनाई गई है। इसके साथ ही वो वहां पर भारी फोर्स भी मौजूद रहेगी, इससे किसी भी तरह में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ पाएगा। इरफान पर गैंगस्टर समेत 8 मुकदमे दर्ज। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले नजीर फातिमा ने 7 नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ घर जलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 1 महीने के भीतर गैंगस्टर एक्ट समेत एक के बाद एक 8 FIR दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों ने गैंग बनाकर अवैध तरीके से शहर में करोड़ों की चल अचल संपत्ति बनाई। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने सभी आरोपियों की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के पहले चरण में गैंग के सदस्य शौकत पहलवान की करीब 28 करोड़ की संपत्ति सीज की है। इसमें जाजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड के 2 अपार्टमेंट में 27 फ्लैट और ग्वाल्ड टोली का एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट सीज किया है। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज को चिन्हित करने का काम जारी है।